मैं जंगली पोकेमोन का सर्वे करने के लिए ऊंची घास में गया था, तभी अचानक मुझ पर हमला कर दिया गया। आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप नॉर्मन के बेटे हो एसकेसी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन हो। आप काफी बड़े और समझदार हो गए हो। ये बातचीत के लिए सही जगह नहीं है, मेरे लैब में आइए। तो एसकेसी, मैंने आपके पिता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अभी तक अपने पोकेमोन नहीं है। अगर यह सच है तो पिछला प्रदर्शन वाकई शानदार था। लगता है कि आप सच में अपने पिता के बेटे हो। ओ हाँ, मुझे वहां से बचाने के लिए धन्यवाद कहने के लिए। क्या मैं तुम्हें वह पोकेमोन दूं जो तुमने पहले इस्तेमाल किया था? उस ट्रीको का नाम ट्रीको ही रखेंगे। ओ, तो आप चीजें इस तरह से करना पसंद करते हैं, कोई उपनाम भी नहीं देने वाले, है ना? अगर आप अपने पोकेमोन के साथ काम करें और अनुभव प्राप्त करें तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतरीन ट्रेनर बन सकते हैं। मेरी बेटी मैं इस समय रूट 103 पर है और मेरे लिए पोकेमोन की जांच कर रही है। शायद यह बुरा विचार नहीं होगा यदि आप भी उस दिशा में निकलें। आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, मुझे यकीन है कि मैं भी यह सुनकर खुश होगी। वह आपको यह सिखाने में मदद कर सकती है कि एक ट्रेनर बनने का क्या मतलब होता है। ओ हाँ। और यदि आप कभी रास्ता भटक जाएं, तो अपने पोकनेव प्लस पर एरिया नेव का उपयोग करें। आप इसका उपयोग रूट 103 तक पहुंचने का रास्ता देखने के लिए कर सकते हैं और यह जानने के लिए कि यह कहाँ है। और अगर आप या आपके पोकेमोन थक जाएं, तो अपने नए घर पर आराम करें। नमस्ते, मैं पोकेमार्ट में काम करता हूँ। मेरे हिसाब से आप एक शुरुआती ट्रेनर हैं, क्या मैं सही हूँ? जैसा कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं आपको उपयोगी सलाह देने जा रहा हूँ। सबसे पहले वह एक पोकेमार्ट है, बस हमारी नीली छत को देखें। हम विभिन्न प्रकार के सामान बेचते हैं जिनमें पोकेमोन को पकड़ने के लिए पोकेबॉल शामिल है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें विशेष प्रमोशन के रूप में लें।
पोषण को कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इन्हें पास रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। और यह एक पोकेमोन सेंटर है, लाल छत की तलाश करें, अंदर एक महिला से बात करें और वह आपके पोकेमोन का स्वास्थ्य ठीक कर देगी। बस इतना ही, यह मेरी सलाह थी एक अत्यंत दयालु क्लर्क की। आपका सफर अच्छा हो। नमस्ते, और पोकेमोन सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आप अपने पोकेमोन को आराम देना चाहेंगे? ठीक है, मैं कुछ सेकंड के लिए आपके पोकेमोन को ले रही हूँ। इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। हमने आपके पोकेमोन को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप फिर से आएंगे। मुझे कुछ बेहद दुर्लभ पोकेमोन प्रिंट्स का एक सेट मिला है। रुको जब तक मैं इन्हें स्केच कर लूं। ठीक है। अरे रुको, कृपया यहाँ इधर उधर मत घूमो। मुझे कुछ बेहद दुर्लभ पोकेमोन प्रिंट्स का एक सेट मिला है। रुको जब तक मैं इन्हें स्केच कर लूं। ठीक है। अब जल्दी से इसको पकड़ लेता हूँ। Hey.
रूट 103 पर मुझे ये पोकेमोन मिले और ये भी और ये भी मिले। ओह हे एसकेटे, ये क्या है? ओह हाँ, मेरे पिताजी ने तुम्हें एक पोकेमोन उपहार में दिया है ना? ठीक है, चलिए जल्दी से एक बैटल हो जाए। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक ट्रेनर होना वास्तव में क्या होता है। जाओ टॉर्ची, जाओ त्रिको, वाह ये बहुत बढ़िया है एसकेसी, तुम बहुत अच्छे से लड़े। ये एक अच्छा मुकाबला था, थैंक्स। मैं जल्दी से दोनों साथियों को ठीक कर देती हूँ। आपकी टीम का स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गई है, वाह। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पापा की नजर आप पर क्यों है। मेरा मतलब है, आपने अभी अभी वो पोकेमोन हासिल किया है और आप दोनों के बीच पहले से ही इतना मजबूत बंधन है। मुझे यकीन है कि आप जिस भी तरह के पोकेमोन से मिलेंगे उससे दोस्ती कर लेंगे। उफ, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस लैब में जाना चाहिए।